मार्च का महीना मानो हत्याओं का महीना साबित हो रहा है। इसी श्रृंखला में होली के दूसरे ही दिन और एक हत्या का मामला सामने आया। ये मामला है पाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां सोने की जगहों को लेकर 30 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की गई। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने अधिक जानकारी साझा की। फरवरी का महीना एक और जहां नो मर्डर मंथ के रूप में दर्ज किया गया, वही लगता है मार्च का महीना सर्वाधिक हत्याओं के महीने के रूप में दर्ज किया जाएगा। मार्च के महीने की शुरुआत से ही हत्याओं के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में पाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत एक और हत्या का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार होली की रात यानी शुक्रवार को मृतक सोनू काशीराम बंकर, जो आसपास में मजदूरी कर खुद का गुजारा करता था, उसकी अज्ञात आरोपी से सोने की जगह को लेकर अनबन हुई। ये बात तो उस रात शांत हो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह आरोपी ने 5 से 5:30 बजे के दरमियान सोनू पर मजदूरी के काम में आने वाले गट्टू या ईंट से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने अधिक जानकारी साझा की। पार्टी चौक में आज सुबह एक बॉडी मिली है, अंदाजन 30 वर्ष का वो युवक है। उसका नाम सोनू काशीराम बनकर ऐसा उसका नाम है और आसपास के क्षेत्र में मजदूरी का काम करता है। वहाँ पर वो सो रहा था और सुबह अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है। किस कारण से हत्या हुई है और कौन इसके पीछे, उसकी पूछताछ और उसकी तहकीकात चालू है। फुटेज वगैरह हम आसपास के फुटेज चेक कर रहे हैं और उसमें जो भी सामने आएगा आपको बताएंगे। और इसकी हत्या करने के लिए एक पास में पड़ा हुआ ईंट है, उसका यूज़ किया है जिसने भी हत्या की है उसकी। जो मृतक है वो रहने वाला MP होशंगाबाद जिले का है। वो यहाँ पर पिछले 3-4 साल से मजदूरी का काम करता है और यहाँ पर दहन घाट है उधर रहता है। कोई उसका फिक्स ठिकान या कोई घर नहीं है, इधर उधर कहीं पर भी सो जाता है, उस टाइप की अभी तक प्राथमिक माहिती मिली। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। हालांकि आए दिन सामने आती इन हत्याओं की वारदातों से पुलिस का सर दर्द पड़ गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।